दोस्तों मैंने आपको एम्फिस बताया टू गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड ऑफ अ फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस अब जनाब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर प्रोफाइल बैन हो गई मैंने यह भी बताया कि मुमकिन है कि आपकी प्रोफाइल अनबैन भी नहीं होगी वापस रोल बैक नहीं हो सकता गुजरा पल वापस नहीं आता दोस्तों लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए वो क्या चीजें हैं जिनको करने से आपकी प्रोफाइल अनबैन हो सकती है मैं एक पर्टिकुलर फील आंसर को फ्रॉम फैसलाबाद जानता हूं जो मेरे साथ कनेक्टेड थे और मैंने उनकी प्रोफाइल अनबैन करवा दी अच्छा ये चांसेस रेयर है ये मैं डिस्क्लेमर पहले आपके सामने रख रहा हूं चांसेस आर रेयर बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी प्रोफाइल जो एक दफा बहन होगी है वो वापस अनबैन नहीं हो सकती कैसे जनाब मिसाल के तौर पे एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस ने आपको वार्निंग भेज दी ईमेल भेज दी कि यार हम आपकी प्रोफाइल टेम्पररी सस्पेंड कर रहे हैं और हमें ये ये रिक्वायरमेंट चाहिए हमेशा याद रखिएगा स्टेप वाइज काम होता है पहले सस्पेंशन का आपको ईमेल आता है और उसके बाद वंस दे गो थ्रू देयर इंटरनल सिस्टम्स तो फ्रीलांस मार्केट टिपिकली बैन भी कर देती है ऐसे वैसे कम ही होता है कि आपने को बहुत ही कोई गलत हरकत की हो तो आपकी प्रोफाइल जो है वो बहन हो वरना और वो गलत हरकत क्या है बर्तनों के खड़कने वाली आवाज क्या आप लड़ाई पर लड़ाई करी जा रहे हैं विद एम्प्लॉयर तभी तो बहन होती है लेकिन सस्पेंड होगी मिसाल के तौर पर अब आप उसको अनसस्पेंड कैसे करा सकते हैं अपनी प्रोफाइल को अवेल कैसे कर सकते हैं तो वो मैं आपके सामने कुछ सिनेरियो रखूंगा उन सिनेरियो को मद्देनजर रखिएगा इनशाला जैसे उन फैसलाबाद वाले फ्रीलैंस की प्रोफाइल अनबैन हुई थी आपकी भी हो सकती है नंबर वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू नीड टू गिव दम अ प्रूव एवर दे आर द रीजन सस्पेंडेड योर प्रोफाइल दैट दैट इज इज अ कंफ्यूजन एसकिंग अंडरस्टैंडिंग वंस यू प्रूव कि यार देर वॉज अ कंफ्यूजन फॉरवर्ड स्लैश मिस अंडरस्टैंडिंग जो वो समझ रहे हैं ऐसा नहीं है आपने कोई गलत काम नहीं किया एंड यू आर रेडी टू प्रोवाइड एनी प्रूफ मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं पी आर ओ ओ एफ सारी फ्रीलैंसिंग प्रूफ पर होती है चाहे फ्रीलांस मार्केट प्लेस को खुद मुतमिन करना हो प्रूफ चाहिए एम्प्लॉयर को मुतमिन करना है प्रूफ चाहिए अगर फ्री लासिंग से निकल के हमारे अपने लोकल की बात कर लें अगर कोई एफ बी आर वगैरह रोला जाए तब भी प्रूफ ही चाहिए होता है सो ऑल दैट मैटर्स इज यू शुड हैव डॉक्यूमेंट्स यू शुड क्लियर द मिसअरस्टैंडिंग वो आप कैसे करते हैं अगर आपके पास एन आई सी है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भैया वो एन की कॉपी कीजिए फ्रंट और बैक की और वो एज एन अटैचमेंट रख दीजिए कोई मुश्किल काम नहीं है आपने सिर्फ स्कैन कराना है स्कैन करा के उसको अपने कंप्यूटर तक लेके आना है और कंप्यूटर तक लेके आके जब आपको ईमेल आए या आप फ्रीलांस मार्केट प्लेस के उस पर्टिकुलर पेज पे जाएं जहां पे वो सस्पेंशन का लिंक दिया गया होता है आपको वो आपको बाय द वे ईमेल में आता है तो आप वो ब्राउज करके स्कैन दे दीजिए दूसरी बात आपके पास ड्राइवर लाइसेंस भी होगा मुमकिन है अगर यह भी नहीं है तो मुमकिन है आपके पास पासपोर्ट होगा मैंने पर्सनली जो देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एन से ज्यादा ड्राइवर लाइसेंस से ज्यादा वट मैटर्स द मोस्ट इज द पासपोर्ट बिकॉज फ्रीलांस मार्केट प्लेस देन जिल सम हाउ होना नहीं चाहिए वैसे बट परसीव करती है ये कंफर्टेबिलिटी ले लेती है अज्यूम करके कि यू आर अ ट्रैवलर आप कोई ऑर्डनरी नहीं है मतलब आप ट्रैवल करते रहे हैं आउटसाइड योर कंट्री एंड दैट मींस कि यार हमारी कंफ्यूजन थी हमने एक रैंडम ऑडिट भेजा प्रोफाइल सस्पेंड की दिस गाय और दिस फ्रीलांसर हैज प्रोवाइडेड अस विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स आईडी कार्ड भी दे दिया उस पर तस्वीर भी ठीक है भाई जनाब उसका बैक ऑफ द आई कार्ड की पिक्चर भी दे दी ड्राइवर लाइसेंस भी दे दिया अगर आपके पास है और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपके पास पासपोर्ट है उसके कुछ पेजेस स्कैन करके दे दें देर इज नो वे कि वो आपको अनबैन ना करें अच्छा अब एक आखिरी चीज आपने ये तीनों चीजें दे दी आप थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और स्टेटमेंट ये है कि अगर आप समझते हैं कि कहीं पे कोताही हुई है कहीं पे गलती हुई है कहीं पे ओवरसाइट हुई है तो आप लिखिए बी पॉलिजेटिक मानिए कि मेरे से गलती हुई है कम अज कम इस बात को करने से जो वहां पे बंदा आपकी ईमेल आपका रिस्पांस आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा वो ये तो समझेगा कि हां ही इज अ रिस्पांसिबल फ्रीलांसर ये आगे से बढ़ के नहीं आ रहा आगे से ऊपर से नहीं आ रहा और ये अंडरस्टैंड्स कि मेरे से गलती हुई है और जो गलती एडमिट करता है मान लेता है उसको तो ऊपर वाला माफ करता है ये तो फिर भी धरती के लोग हैं, तो ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए चाहे, चाहे जनाब आपसे को, को, कोई कोई भी कोताही है प्लीज बी अपोलोजेटिक दिस इज वट द एटीट्यूड शुड बी ऑफ अ फ्रीलैंसर बिकॉज द टाइम यू विल वेस्ट इन प्रूविंग फ्रीलैंस मार्केट प्लेस रॉन्ग एंड प्रूविंग यूर सेल्फ राइट मैं आपको बता रहा हूं दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 15 इयर्स आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें ये सिस्टम इतने इंपॉर्टेंटली स्मार्टली केयरफुली क्रिएटेड है कि आप जितना यू नो अप कवर रखेंगे अपना उनको पता लग जाएगा सो बी अपोलोजेटिक गलती हुई है बताइए एडमिट कीजिए उसके उसके साथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स दीजिए इंशाल्लाह शाह जैसे उस फैसलाबाद वाले फ्रीलांसर की प्रोफाइल अनबैन हुई आपकी भी हो सकती है बट वन लास्ट वार्निंग वन लास्ट नोटिस वन लास्ट रिक्वेस्ट भाई उस पॉइंट तक पहुंचते क्यों है कि जहां पर आपकी प्रोफाइल सस्पेंड या बैन हो इज तरह आप कीजिए बी केयरफुल यू विल नॉट रन इं टू प्रॉब्लम आई हैन इन टू प्रॉब्लम फॉर फिफ्टीन ईयर्स ऑन गुरु डॉट कॉम और मुझे रिकगनीशन मिली पूरी दुनिया में बिकॉज आई वर्क लिव्ड बाई द बुक तो यह एहतियात कीजिए इसका ख्याल रखिए